नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज स्ट्रैटेजीज इन्हहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन हम अलग अलग फूड रिसोर्सिस को इन्हांस करना चाहते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इन्हेंस करना चाहते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करना चाहते हैं और इसीलिए हम एक स्पेसिफिक मेथडोलॉजी ऑप्ट करेंगे जिस मेथडोलॉजी के थ्रू हम अलग अलग वेराइटीज डेवलप कर पाएँ अलग अलग ब्रीड्स डेवलप कर पाएँ तो देखें हमारे इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एनिमल हस्बेंड्री की एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एक ऐसा प्रैक्टिस ठीक है एग्रीकल्चर वर्ड यहाँ पे यूज़ ज़रूर हुआ है इससे ये ना समझें कि ये सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज़ होता है एग्रीकल्चर मेथड या एग्रीकल्चर टर्म हम एनिमल्स कल्टीवेशन प्लांट्स कल्टीवेशन दोनों के लिए यूज़ करते हैं तो एनिमल हजबेंड्री का मतलब होता है जहाँ पे एनिमल्स को हम एक साथ रख कर ब्रीड करवा रहे हैं इन शॉर्ट हम लाइफ स्टॉक रेज कर रहे हैं लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जो लिविंग एनिमल्स हैं कैटल्स हैं हर टाइप की कैटेगरी के एनिमल्स जिनको हम कमर्शियली यूज़ करने वाले हैं जिनके प्रोडक्ट्स को उसे हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं तो जब आप इन एनिमल्स को रियर कर रहे हैं ब्रीड कर रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल इसे हम बोलते हैं एनिमल हजबेंड्री राइट तो एनिमल हजबेंड्री एनिमल्स को रेज करने की एक प्रोसेस है जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है हमारे uh, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम इनसे ऑप्टेन करते हैं जैसे मिल्क ऑप्टेन करते हैं मीट ऑप्टेन करते हैं वी ऑप्टेन सो मेनी थिंग्स हम ग्रेजुअली डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हम इनसे ऑप्टेन करते हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क है तो अगर मिल्क आप ऑप्टेन कर रहे हैं तो जिस वैरायटी से मिल्क लिया जा रहा है उसे हम मिल्च ब्रीड बोलते हैं राइट right. जिस वैरायटी से हम एग ऑप्टेन कर रहे हैं उसे हम एगर या लेयर बोलते हैं जिस वैरायटी से आ, मीट ऑप्टेन कर रहे हैं उसे हम ब्रॉयलर बोलते हैं वूल सिल्क हनी ये कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं और उसके अलावा एक ब्रीड और होती है हमारे पास जिसे हम ड्रॉट ब्रीड के नाम से जानते हैं ड्रॉट ब्रीड का मतलब होता है बच्चों ऐसी वेराइटीज़ जो कि सामान उठाने के काम में एग्रीकल्चर के पर्पस में बोझ उठाने के काम में इन सब जगहों पे यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं ड्रॉट ब्रीड तो वी हैव हाँ सो मेनी वेराइटीज़ सो मेनी पर्पस मिल्क के लिए मीट के लिए एग के लिए सामान उठाने के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में हम बहुत एनिमल्स को यूज़ करते हैं अगर सपोज़ मैं मिल्क के लिए मैं जो इन एनिमल्स को ब्रीड कर रही हूँ उनकी बात करूँ तो दीज आर द एग्ज़ैम्पल्स विथ मी कई जगहों पर याक का कैमल का गोट का मिल्क भी कंज्यूम किया जाता है तो वी हैव इंक्लूडेड गोट ऑल्सो ऑल दो इज काओ एंड बफेलो एग्स के लिए हम अलग अलग बर्ड्स के एग्स आई मीन कंज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल चिकन है डक टर्की गीज इन सब को रियर करना फॉर एग पर्पस दैट इज़ आल्सो बीइंग डन और इस वैरायटी को हम बोलते हैं एगर या लेयर राइट दूसरा मीट के लिए कैटल्स ऑल ओवर इंडिया में अनैथिकल है कैटल्स को रियर करना फॉर ऑप्टेनिंग मीट बट स्टिल इन अदर कंट्रीज इट इज़ लीगल तो कैटल शीप और पिक्स को मीट के लिए रियर किया जाता है शीप uh, को हम वूल के लिए रियर करते हैं सिल्क वर्म्स को हम सिल्क के लिए थ्रेड के लिए रियर uh, करते हैं और हनी बीज को हम बी वैक्स नेक्टर नॉट नेक्टर इसे जो हमें रॉयल uh, जेली मिलता है उन सब के लिए हम इन, इन्हें ब्रीड करते हैं पोलन ब्रेड के लिए भी करते हैं ऑल पोलन ब्रेड का अमाउंट बहुत कम होता है बट देन रॉयल जेली बी वैक्स स्पेशली बी वैक्स और हनी के लिए हम हनी बीज को रेयर करते हैं सो दीज आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीडिंग दीज एनिमल्स हम जब भी इन एनिमल्स को ब्रीड कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो नेसेसिटी है वो पूरी फुलफ़िल हो वो सेटिसफाई हो प्रोडक्टिविटी नॉर्मल केस में काफ़ी कम आती है बट व्हेन यू कल्चर देम वेन यू रियर देम वेन यू नर्चर देम तब आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है तो देखिए इन सप्लाई जो डिमांड uh, जो पॉपुलेशन का था जो uh, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की जो डिमांड्स थी उन्हें साटिस्फाई करने के लिए हमने कई सारी टेक्निक्स फॉलो की और उसके लिए हमने कुछ ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट किए इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन मतलब जो हम नहीं मीट आउट कर पा रहे थे एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड्स को उसे सैटिस्फाई करने के लिए हमने कुछ सोल्यूशन रेस किए जैसे कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस को इग्नोर करते हुए इग्नोर इन देंस उसे प्रायोरिटी पे न रखते हुए हमने फोर्सफुल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं तो जो फोर्स फोर्सफुल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हमने इंट्रोड्यूस किए उससे हमें कई नई वेराइटीज़ ऑप्टेन हुई कई नई वेरायटीज़ हमें उससे मिलने लगी और इसके लिए हमने कई बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स लगाए फ़ॉर एक्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया एनिमल हजबेंड्री में वी विल डिस्कस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एम ओ ई टी टेक्निक ऐसे बहुत टेक्नीस हैं जिन्हें हमने एक एक करके यूज़ किया सो so दैट हम लाइफ स्टॉक को क्या कर सकें रेस कर सकें और इन एनिमल्स को कल्टिवेट कर सकें एनिमल हजबेंड्री में सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया जाता है तो वो पोल्ट्री ब्रीडिंग और कैटल ब्रीडिंग तो पे है एंड थर्ड थर्डली इट वुड बी तो पोल्ट्री फार्मिंग मतलब, आ, सबसे पहले चिकन्स, आ, लेट मी गो या, जो अलग अलग टाइप की बर्ड्स है ना इट इज नॉट ओनली डॉन्स इट इज गीज़ इन सभी को पिज़न्स इवन इन सभी को ब्रीड करना फॉर डिफरेंट पर्पसिज इट इज़ वॉट इज रेफर्ड एज़ पोल्ट्री फार्मिंग फिशरीज़ जो हैं ये अलग अलग टाइप की फ़िश को ब्रीड करने की प्रोसेस है जिसे हम पिसी कल्चर बोलते हैं मराइन फिशेज फ्रेश वाटर फिशेज इन सब को ब्रीड करना ऑन अ लार्ज स्केल दैट इज़ वॉट इज नोन एज फिशरी अब हमारे पास इन एनिमल्स को ब्रीड करने के लिए डेफिनेटली कुछ फॉर्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस हमें फ़ॉलो करनी पड़ेंगी सो देअर आर डिफरेंट फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं डेयरी फार्म प्रपेयर करूँगी या डेरिंग कर रही हूँ मतलब मिल्क प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स को रेअर कर रही हूँ तो उनके फार्म की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं और जो पोल्ट्री फार्म हैं उनके फार्म की रिक्वायरमेंट्स कुछ डिफरेंट हैं सो वी विल सी दीज आर डिफरेंट ब्रीड्स हम इनके बारे में बात करेंगे अभी अगर मैं सबसे पहले कैटल शेड की बात आपसे करूँ तो कैटल शेड कैसा होना चाहिए इट इट हैज टू बी वेल वेंटिलेटेड है ना उसमें एयर का सर्कुलेशन एयर का सप्लाई जो है वो काफी अच्छा रहे तो इट हैज टू बी वेल वेंटिलेटेड इट हैज टू हैव इनफ सफिशेंट सप्लाई ऑफ लाइट हर जगह से लाइट की इंटेंसिटी प्रॉपर आती हो क्योंकि दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना ऑफ कोर्स जब आप इन्हें फ्री छोड़ते हैं तो ये भी सनलाइट की तरफ जाते हैं सनलाइट इज नीडेड बाय द मैमल्स क्योंकि हमें विटामिन डी का प्रोडक्शन करना पड़ता है इन कैटल्स को भी लाइट की आवश्यकता है सो वी हैव टू गिव दम लाइट राइट वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए इट हैज टू बी हाइजीनिक राइट हम मोस्टली क्या करते हैं बच्चों ऐसा स्लोपी बनाते हैं तो सपोज यहाँ पे ये कैटल्स हैं कैटल्स के लिए हम स्लोपी प्लेटफॉर्म बनाते हैं ताकि जब भी ये यूरिनेट करें या डिफिकेट करें तो जो फीसस है यूरिन है वो ड्रेन आसानी से होकर नीचे आ सके राइट ऑफ कोर्स इतना भी स्लोपी नहीं बनाना है दैट इट बिकम्स इनकम्फर्टेबल फॉर देम हमेशा एक फीलिंग ऐसी आई कि वो पहाड़ चढ़ रहे हैं इट इट हैज इट शुड नॉट बी लाइक दैट स्लाइडली स्लान्ट होता है और यहाँ पे उनके फॉर्डर के लिए एक चेंबर होता है जहाँ से वो खाना वगैरह खा पी सकते ले सकते हैं मतलब तो इस तरीके से एक शेड को बनाया जाता है मोस्टली दीज कैटल्स दे आर केप्ट अराउंड ईच अदर सो दैट उनका भी आपस में जो कॉन्वर्सेशन है वो हमेशा बना रहे होता रहे एंड दे फील गुड देखिए किसी भी एनिमल को जब आप रेयर कर रहे हैं ना तो यू यू शुड नॉट केज देम है ना कि आपने सिर्फ उनको बांध करके रखा हुआ है यू नीड टू गिव देम ऑल द कंडीशंस विच दे आर लुकिंग फॉरवर्ड इजेंट है क्योंकि उन्हें भी तो जिंदा रहने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए तो वही माहौल हम इन्हें प्रोवाइड करवाएंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स हमारे कैटल्स वैक्सीनेटेड भी होने चाहिए हमें इनकी बीमारी का भी ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी तरीके के पैरासाइट्स अगर इनकी स्किन के ऊपर आते हैं या स्किन के नीचे या मतलब बॉडी के अंदर आते हैं तो उन पैरासाइट से भी हमें इन्हें दूर करना है इन्हें फ्री करना है क्योंकि दोज पैरासाइट्स दे विल ऑफ़ कोर्स अफेक्ट देयर हेल्थ हेल्थ अफेक्ट हुई तो इनका लैक्टेशन पीरियड स्ट्रेट फॉरवर्ड अफेक्ट होता है इज इट देखिए लैक्टेशन पीरियड एक टर्म हमने सुनी है अभी अभी तो इस टर्म को भी हम समझ लेंगे लेक्टेशन पीरियड का मतलब होता है मिल्क यील्ड वाला पीरियड मतलब एक वो समय जब कैटल्स जो हैं वो मिल्क देंगी उसे हम लेक्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं कैटल्स हमेशा मिल्क तब प्रोड्यूस करेंगी जब काफ का बॉर्न हो गया है ओके okay? तो काफ के बर्थ के बाद कैटल्स विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क और जितने दौरान जितने मंथ्स तक वो मिल्क प्रोड्यूस करती रहेंगी वो पूरा ड्यूरेशन कहलाता है लैक्टेसन पीरियड तो लैक्टेशन पीरियड में कैटल्स विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड दिस मिल्क विल बी बेसिकली इट इज फॉर काफ बट वी ऑल्सो टेक आउट दैट मिल्क राइट तो दिस इज वॉट इज लैक्टेशन पीरियड विच विल बिगिन आफ्टर पार्चुरेशन पार्चुरेशन का मतलब होता है पार्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ ऑफ अ काफ राइट तो काफ के जन्म लेने के बाद लेक्टेशन पीरियड सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अ कैटल शेड लेट इस नाउ टॉक अबाउट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ दीज कैटल्स जो हमारे पास अलग अलग वेराइटीज़ हैं सबसे पहले कुछ टर्म्स बताना चाहूँगी देर आर सर्टन वेराइटीज़ विच आर नेटिव ब्रीड्स और हम उन्हें इंडिजिनस ब्रीड्स के नाम से भी जानते हैं इंडिजिनस ब्रीड्स ये ब्रीड इंडिया में या उसी जगह की इफ़ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया तो वो उसी पर्टिकुलर जगह की ब्रीड है जिस जगह पे कैटल नेचुरली ना, बर्थ लेती है नॉर्मली जिस जगह जिस कंट्री में वो होती है उस जगह उसमें एक स्पेसिफ़िक डिसीज़ रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है मतलब वहाँ की कैटल्स आसानी से बीमार नहीं पड़ती तो हमें इस बात का बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैटल्स को उनके नेटिव प्लेस पे ही ब्रीड करें ताकि उनके अंदर जो एक उनका अपना एक कैरेक्टरस्टिक है बीमार नहीं होने का वो कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर रिटेन रहे इसके ऊपर हम कुछ नए जीन्स उनके अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हाई मिल्क यील्ड बीफ है तो हाई बीफ मोर कंटेंट ऑफ़ बीफ एग है तो मोर नंबर ऑफ़ एग्स वो चीज़ें हम सेकेंडरी इंट्रोड्यूस करेंगे राइट सो नेटिव या इंडिजनस ब्रीड मतलब उसी पर्टिकुलर कंट्री का दूसरा होता है एग्जॉटिक ब्रीड एक्जोटिक ब्रीड मतलब जिस जगह पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिस जगह को आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है उसके अलावा दूसरी जगहों की जो कैटल्स हैं उन्हें हम एग्जॉटिक बोलेंगे लास्टली हमारे पास इन दोनों को ब्रीड करवाने के बाद जो बनता है उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं सो so, इन दोनों को कंबाइन अगर आप करें तो आपको एक हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कैटल भी मिल सकता है पोल्ट्री uh, भी मिल सकता है मतलब तो वॉट आप हाइब्रिड वैरायटी भी ऑप्टेन कर सकते हैं इसे हम हाइब्रिड के अलावा इसे हम दूसरा एक नाम देते हैं विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज़ इम्प्रूवड ब्रीड सो दिस इज़ वन ऑफ़ द एग्जाम्पल ऑफ जर्सी काउ विच इज़ बेसिकली एन इम्प्रूव ब्रीड इन फ्रंट ऑफ यू इस काउ की एक स्पेशलिटी है दैट इट ये इज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क मोर क्वान्टिटी ऑफ मिल्क और इसीलिए ये जो कैटल है ये बहुत फेमस है इसके मिल्क में फैट कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है बेटा तो जो मिल जो मलाई आती है ना जो क्रीम आती है दैट दैट इज़ रिच इन फैट उससे घी भी बहुत अच्छा निकलता है सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड वेराइटी ऑफ कैटल सो दीज़ आर द डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ कैटल्स है ना क्वालिटीज़ uh, जिनके लिए हम इन कैटल्स को ब्रीड कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इट हैज़ टू बी डिसीज़ रेजिस्टेंट एज आई टोल्ड यू वाइल्ड वेराइटीज़ जो हैं या वाइल्ड टाइप ऑफ कैटल्स जो हैं दे आर रेजिस्टेंट टू द डिफरेंट डिसीजेज़ और हम यही तो चाहते हैं ना भाई इसका क्या फ़ायदा अगर आपकी कैटल मिल्क बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करती है लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम तो बीमार ही होती है

उनसे वो एडजस्ट हो सकें ऐसा ना हो वेदर में इन्वायरमेंट क्लाइमेट में थोड़ा बहुत भी चेंज आ गया तो कैटल जो है वो तुरंत बीमार पड़ गया तो क्लाइमेटिक कंडीशन वेदर इन सबको भी इन्हें अडाप्ट करते आना चाहिए सो दीज आर द एम्स और दीज आर द ऑब्जेक्टिवस फॉर वाई वी आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रीड वॉट एवर कैटल हो पोल्ट्री हो कुछ भी हो उसकी ब्रीड हम क्यों बढ़ा रहे हैं वो हमें जानना ज़रूरी है ना देर आर डिफरेंट प्रैक्टिस विच आर इन्वॉल्व विच वी नीड टू टॉक अबाउट जिसके बारे में हमने ब्रीफली बात की है देर हैज़ टू बी इफेक्टिव हाउसिंग एडिकुएट वाटर हो फॉडर हो खाना पीना सब कुछ अच्छा हो डिस फ्री कंडीशन आपने मेनटेन की हुई हों डिसीज uh, फ्री कंडीशन को मेनटेन करने के लिए हम क्लैनलीनेस बहुत ज़्यादा देखते हैं जैसे कैटल हैं हैंडलर्स जो हैं वो इन कैटल्स को बहुत अच्छे से uh, संभालते हैं इनकी साफ सफाई इनका वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन स्कैड्यूल बीमार हो गए हैं तो इन्हें आइसोलेशन में रखना ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखी जाती हैं इनका फीड भी काफी हद तक हम कंट्रोल करते हैं दो टाइप की फीड इनके होते हैं। हैंट्रेट एंड अनदर इज कॉल्ड एज फाइब्रस कॉन्सेंट्रेट टाइप ऑफ फीड जो है दैट विल कैरी मोर ऑफ प्रोटीन विटामिन हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं वैसे मोस्टली हॉर्मोन्स रेगुलर रूटीन में हम नहीं देते हैं बट स्पेशल केसेस में कभी कभी दिए जाते हैं बट अदरवाइज कॉन्सेंट्रेट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स और फाइबरस डाइट जो है इट वुड बी रिच इन फाइबर्स कोर्स फाइबरस डाइट ना डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है तो अगर आपको आपकी इंटेस्टाइन और आपके स्टमक को हेल्दी रखना है तो ट्राई टू हैव इनफ फाइबर इन योर डाइट राइट ज़्यादा फाइबर लेने से वाटर का कंजम्पशन अच्छा हो जाता है एंड वाटर इज बेसिकली अ प्योरीफायर ओके तो हमारे शरीर को भी अंदर से प्योरीफाई करता है इसीलिए लिए इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स मोस्टली जो लेक्टेटिंग मदर्स हैं उन्हें कॉन्सेंट्रेट का नंबर थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है बिकॉज़ ड्यूरिंग दैट पीरियड दे रिक्वायर मोर प्रोटीन मोर विटामस एंड ऑल दोज थिंग्स इन मोर अमाउंट राइट दूसरा है हमारे पास फाइबरस डाइट फाइबरस डाइट तब दिया जाता है जब हमें उन्हें नॉर्मल स्टमक जो है उसे हेल्दी रखना हो यू नो दैट कैटल्स दे ईट मोर ऑफ फाइबर्स ओनली इजेंट इट कैटल्स क्या खाती हैं बेटा सेल्युलस ही तो खाती हैं मतलब क्या फोडर आप सेल्यूलोर्स किसके फॉर्म में देते हो बेटा फॉर्डर के फॉर्म में क्या है फॉर्डर जैसे अल्फा अल्फा है बारसेम है, है ना ये सब हमारे कॉमन फोडर क्रॉप्स हैं इन्हें हम उगाते ही इसलिए क्योंकि हमें कैटल्स को इन्हें देना होता है कैटल का फीड है ये राइट right? तो हम फोडर क्रॉप्स तो देते ही हैं उसके साथ कॉन्सेंट्रेट आप ज़्यादा ऐड कर देते हो लेक्टेटिंग मदर्स के लिए मतलब जो मिल्क प्रोड्यूसिंग मदर्स हैं और बाकी का फोडर जो है वो हम नॉर्मल रूटीन में रेगुलर रूटीन में नॉर्मल फोडर देते हैं सो दिस इज वॉट इज द डाइट ऑफ फोडर है ना क्वालिटी ऑयल केक है ये ऑयल केक रिच ये ऑयल केक पता है कैसे बनाते हैं जो सोयाबीन है ना उस सोयाबीन को आ, प्रेस कर देते हैं और उसका पूरा ऑयल निकाल लेते हैं तो ऑयल निकालने के बाद जो पीछे केक बचता है उसे बोलते हैं ऑयल केक है ना जो नॉर्मल जो सोयाबीन का जो सॉलिड पार्ट है वो जो बचता है दैट इज कॉल्ड एस ऑयल केक और उस ऑयल केक में बहुत सारा प्रोटीन्स होता है थोड़ा बहुत ऑयल भी रहता है उसमें ऑफकोर्स और दूसरे मिनरल्स न्यूट्रिशंस रहते हैं इट सो दैट इज अ वेरी गुड सोर्स क्वानिटी क्वान्टिटी एंड क्वालिटी शुड बी बैलेंस्ड ऑफ कोर्स क्योंकि लेक्टेटिंग मदर्स हैं या अदरवाइज ड्रॉट वेराइटीज भी हो, तो वी नीड टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सो देर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस विच आर इन्वॉल्व वाई वी आर जस्ट कल्टिवेटिंग दीज कैटल्स हम हम इन्हें मिल्क के लिए रेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी अटोरेज कैपैसिटी और देर हैज़ टू बी सफिशेंट स्टोरेज टैंक्स है ना सफिशंट स्टोरेज टैंक्स होने चाहिए जहाँ पर हम सफिशेंट क्वान्टिटी ऑफ मिल्क को स्टोर कर सकें मिल्क को रख सकें और फिर इस मिल्क को हमें पास्चुराइज़ भी करना पड़ता है क्योंकि मिल्क नॉर्मल फॉर्म में रहा तो करडल हो जाना है खराब हो जाना है uh, अगर आपने उसे पास्चुराइज़ कर दिया है तो इट विल रिमेन आई मीन इट विल रिमेन इन अ गुड सिचुएशन इन अ गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग अ पीरियड ऑफ टाइम इजेंट है सो वी कीप दिस दिस मिल्क इन स्टोरेज टैंक्स फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है देर आर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ कैटल काउ काउ को हम बॉस इंडिकस बोलते हैं साइंटिफिक नेम इज़ बॉस इंडिकस मिल्च ब्रीड फॉर मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉड ब्रीड्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज फॉर दे दे आर यूज एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन बोज ढूंढने के काम में यूज़ करते हैं जनरल यूटिलिटी पर्पज़ का मतलब होता है डूअल पर्पज दोनों के लिए यूज में होने वाला राइट दोनों काम में लेने वाला सो दीज़ आर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ कैटल जो कि यूज़ की जाती हैं जैसे यहाँ पे गिर है गुजरात की कैटल है गुजरात की ब्रीड है साहेवाल जो है वो पंजाब की ब्रीड है रेड सिंधी आंध्र प्रदेश देवनी आंध्र प्रदेश ड्रॉड ब्रीड में भी है मालवी हेलिकर नागेरी ये सारी ब्रीड्स अलग अलग स्टेट्स में मिलती हैं उन स्टेट्स के नाम हैं दीज आर द लोकल वेराइटीज़ जनरल यूटिलिटी ब्रीड हरियाणा उंगुल कांकरेज और थारपरकर जो दोनों पर्पस में काम में आती हैं दीज आर द एरियाज वेर यू वुड फाइंड दीज डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ कैटल ये रफली हमें याद कर लेना है बेटा कि कौन सी टाइप की जो कैटल है वो कौन से स्टेट में मिलती है सो दैट वी वुड बी एबल टू आंसर ऑल दो इस रीजन से क्वेश्चन बहुत नहीं पूछे जाते बट स्टिल वी कैन नॉट स्किप एनीथिंग हमने इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ कैटल्स देख लिए हैं अब हम एग्जॉटिक ब्रीड्स देखेंगे मतलब ऐसे कैटल्स जो उस पर्टिकुलर जगह के नहीं हैं लेकिन किसी दूसरे देश किसी दूसरी कंट्री स्टेट के हो सकते हैं तो ऐसे ब्रीड्स जो एंटायरली उस एरिया को बिलोंग नहीं करते हैं उन्हें हम एग्जॉटिक ब्रीड्स की कैटेगरी में रखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने कुछ ब्रीड्स देखे हॉल्टन फ्राइसन जर्सी काओ ये ऐसे ब्रीड्स हैं विच आर बेसिकली फॉरन ब्रीड्स इन ब्रीड्स के पोटेंशियल नेटिव ब्रीड्स के पोटेंशियल से कंपैरेटिवली अलग होते हैं एज आई मैंशन अर्लियर कि जो हमारे नेटिव वेराइटीज़ हैं जो इंडियन ब्रीड्स हैं उनके अंदर डिसीज रेजिस्टेंस पोटेंशियल इंडिया के वेदर क्लाइमेट के हिसाब से होगा एक्जोटिक ब्रीड्स के जो डिसीज़ रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो वहाँ के वेदर क्लाइमेट के हिसाब से होंगे तो हर जगह का एन्वायरमेंटल कंडीशन अलग होने से मुझे डिसीज रेजिस्टेंट यहीं का चाहिए लेकिन फॉरेन ब्रीड से मुझे क्या ऑप्टेन करना है प्रोबेबली आई एम डिजायरिंग हाई यील्डिंग मे बी हाई यील्डिंग मिल्क हो सकता है वूल हो सकता है एग्ज हो सकता है वॉट जिस टाइप का कैटल सॉरी जिस टाइप का एनिमल आप ब्रीड करें कैटल होगा तो पर्पज़ अलग होगा बर्ड्स होंगी तो पर्पज़ अलग होगा सो दीज़ आर द डिफरेंट फॉरन ब्रीड्स और एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल्स ब्राउन स्विस स्विट्ज़रलैंड का है रेड डेन ये अलग अलग वेराइटीज़ हमारे पास हैं इसी तरह बॉस ब्यूबेलिस की मतलब बफेलो की दिस इज़ द साइंटिफिक नेम विच यू नीड टू रिमेंबर कभी कभी एम सी क्यूज में साइंटिफिक नेम से पूछते हैं तो बॉस ब्यूबालिस में हमारे पास जो अलग वेराइटीज़ हैं बफेलो की फॉर एक्ज़ाम्पल सुरती नीलरावी इसे नीली रावी भी बोलते हैं नागपुरी जाफ़राबादी दीज वेराइटीज़ ऑफ बफेलोज़ आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड राइट और इन बफेलोज़ को हम इनकी हाई ये लिए जानते हैं या इन्हें रेयर करना पसंद करते हैं ये बफेलोज़ डिसीज़ रेजिस्टेंट इंडिया के हिसाब से होंगी ही इसकी कोई गारंटी नहीं है फॉर एग्जाम्पल जैसे मुरा महसाना और सुरती जो है यू कैन रिम्बर इट बाई दिस थिंग एम एम एस मुरहा महसाना एंड सुरती ये तीन वेराइटीज़ जो हैं दिस वन ये तीन वेराइटीज़ जो हैं ये इंडियन ब्रीड्स हैं बफेलो की एंड दीज आर डिसीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ प्लस हाई मिल्क हीडिंग इन्हें अगर आप किसी एग्जॉटिक ब्रीड के साथ ब्रीडिंग प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करते हैं रीप्रोडक्शन करवाते हैं तो यू मे ऑप्टेन अ हाई ब्रिड जिसे मैं अब इम्प्रूव्ड ब्रीड के नाम से भी जान सकती हूँ ये आप ऑप्टेन कर सकते हैं इम्प्रूव्ड ब्रीड या इम्प्रूव ब्रीड इसे अब आप ऑप्टेन करेंगे विच विल बी हैविंग डिसीज रेजिस्टेंस जीन एज वेल एज हाई यील्डिंग जीन कैटल है इसलिए हाई मिल्क यील्डिंग लिख सकती हूँ मैं अगर और कोई वेराइटी होती तो मैं उस, उसको दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करती इट सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर वाई वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंडियन ब्रीड्स एग्जॉटिक ब्रीड्स एंड वाई वी आर रिप्रोड्यूसिंग दम एंड ऑप्टेनिंग अड राइट दीज आर द एग्जाम्पल्स एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम में अब हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं फटाफट चीजें सम अप करेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में यू नीड टू रेयर बर्ड्स इट कुड बीन गीस टर्की पिजन्स दो हो सकते हैं या तो हमें उनसे एग्स चाहिए या हमें उनसे मीट चाहिए राइट सो फूड के लिए हम इन्हें रेयर करते हैं एग्स के लिए जब आप इन्हें रेयर करते हैं तो वी कॉल देम स्पेसिफिकली बाय द टर्म लेल्सो कॉल देम एज एगर्स और मीट के लिए जब आप इन्हें रेयर करते हैं तो हम उन्हें ब्रॉयलर्स के नाम से जानते हैं अलग अलग पर्पज से हम रेयर नहीं करते बेटा पहले आपने लेयर के फॉर्म में रेयर किया है मतलब जब उनका फर्टिलिटी पीरियड है एग्जिस्टेंस में है तब हम उनसे एग्जॉपटेन कर लेंगे और जिस समय उनका फर्टिलिटी पीरियड स्टॉप होने वाला है अब हम उन्हें कन्वर्ट कर देंगे इनटू ब्रॉयलर्स क्योंकि हम सिर्फ ब्रॉयलर के लिए तो रियर नहीं करने वाले हैं व्हाट यू नीड टू डू यू जस्ट नीड टू चेंज देयर डाइट दैट्स इट आप इनका खाना चेंज कर दीजिए ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट गेनिंग वेट और जैसे ही उनका वजन बढ़ने लगेगा दे विल टर्न इन टू ब्रॉयर राइट सो इनका फीड बहुत इंपॉर्टेंट है दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स विच वी कैन रेयर ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंडिया में तो हम मोस्टली एग्स और चिकन के लिए ही इन्हें रेयर करते हैं इन अदर कंट्रीज देर आर मेनी बर्ड्स विच आर रेयर विच आर कंज्यूम्ड राइट यू नो अबाउट दोज कंट्रीज बट इन इंडिया वी जस्ट रियर चिकन और बर्ड्स फॉर एग्ज एंड मीट फ्यू बर्ड्स एंड नॉट ऑल द बर्ड्स तो सिलेक्शन ऑफ डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी हमें करना पड़ेगा एज वी ऑलरेडी डिस्कस जैसे कैटल्स में हमने बात की थी डिसीज फ्री ब्रीड्स हो मेरे पास इसके अलावा ऐसी सूटेबल ब्रीड्स हो जो उस एन्वायरमेंट में उस पर्टिकुलर सिटी में कंट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश करके रख सकें जिंदा रह सकें

तब आप इसे ज्यादा प्रोटीन रिच और विटामिन रिच डाइट दें मिनरल्स भी आप देंगे लेकिन जब वो ब्रॉयलर होगा तो आप आई एम सो सॉरी जब वो ब्रॉयलर होगा तो हम उसे फैट रिच डाइट देना शुरू करेंगे है ना ऑफ कोर्स इट वुड नॉट बी ओनली फैट इट वुड बी फैट रिच मोर राइट सो प्रॉपर फीड एंड वाटर यू हैव टू मेंटेन उनके हेल्थ और हाइजीनिक कंडीशंस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा दिस इज़ वन ऑफ़ द वैराइटी इंडियन लेग हॉन ये वेराइटी इंडिया में बहुत ईजीली मिलेगी आपको दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स और बर्ड्स विचवीरियर इसके अलावा न हमारे पास रोड आइलैंड रेड होता है लेग हॉन है दिस इज़ वाइट लेग हॉन जो कॉमन वेराइटीज़ हैं उन कॉमन वेराइटीज़ के या जो इंडियन वेराइटीज़ हैं उनके नाम भी इंडिया के ऊपर होते हैं दीज आर एग्जॉटिक ब्रीड्स इसलिए इनके नाम कुछ अलग आपको दिखाई दे रहे हैं फॉर um, एग्ज़ाम्पल जैसे इंडियन ब्रीड्स की मैं बारे में बात करूँ तो चित्ता गंग है असील है घागस है कड़कनाथ है एंड मेनी मोर बुड़सा ब्लैक माइनॉरिका ये सारे इंडिजीनियस ब्रीड्स हैंग्जॉटिक ब्रीड्स में एज बी डिस्कस्ड वाइड लेग हॉन्न ये लेग हॉन एग्जॉटिक है रोड आइलैंड रेन प्ले मॉथ न्यू हेम्पशेर ये सारे के सारे बाहर की वेराइटीज़ हैं दोज आर एग्जॉटिक ब्रीड्स एंड दीज आर इंडिजीनियस ब्रीड्स ब्लैक बंगॉल इज इंडिजीनियस ब्रीड एंड माइनोरिका दिस इज ब्लैक माइनोरिका एक्चुअली आप माइनोरिका भी बोल सकते हैं इट इज़ एक्जॉटिक ब्रीड इन दोनों ब्रीड्स को जब आपस में रिप्रोड्यूस करवाया जाता है तो वी ऑप्टेन अ इम्प्रूव्ड वेराइटी राइट इन इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ के नाम बहुत अलग अलग हैं यूजअली कोट्स के फॉर्म में गिवन होते हैं विच यू नीड नॉट टू रिमेंबर राइट नाउ नीच में अभी फिलहाल ये पूछे नहीं जाते हैं <coughs> ियल एंड फंगल डिसीजेस जो है लाइक फाउल पॉक्स है दिस इज वन ऑफ द कॉमन डिसीजेस राइट बर्ड फ्लू आप जानते हैं अभी थोड़े समय पहले बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है वाइल्ली स्प्रेड हुआ है तो बर्ड फ्लू रेन खेत रैनी खेत डिसीज इन्फेक्शियस uh, ब्रोंकाइटिस हो सकता है विच इज इंफेक्शन इन द ब्रोंकाई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये दीज आर द वायरल ऑफ आर बर्ड्स बैक्टीरियल डिसीजेज में हमारे पास कॉलरा है माइकोप्लाज्मोसिस है ये कॉमन डिसीजेज है कोराइजा भी है एंड प्यलोरम भी है देर आर मेनी मोर डिसीजेस हम कुछ के एग्जाम्पल सिर्फ ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा लर्न यहाँ से नहीं करना है फंगल डिसीजेज़ में हमारे पास निमोनिया है एसपोजिलस है विच कॉजेज मेनी स्किन इन्फेक्शन इनके फैदर्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं द स्किन बिकम बैर एंड देन दे आर वेरी प्रोन टू अदर इन्फेक्शन ऑल्सो राइट सो दीज आर द डिफरेंट डिसीजेज विच बर्थ्स सफ़र फ्राम